दोस्तों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जो व्यक्ति समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो इसी अच्छी सोच के साथ मैं रश्मि आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। निकालते हैं, लेकिन आज मैं मलाई से घी और पनीर एक साथ निकाल के दिखाऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से। ये मेरी मलाई है, इसमें मैंने दही लगा करके रख दिया था फ्रीजर में, और आज मैं जब घी बनाऊंगी तो इसे मैंने सुबह से फ्रीजर से बाहर निकाल दिया है, जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा और खट्टा भी हो जाएगा क्योंकि इसमें दही डला हुआ है। तो ये देखिए, मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें पानी डाल दिया है। पानी हमें ठंडा यूज़ करना है। ये देखिए, अच्छे से मैंने फेंट लिया है, लेकिन अभी इसमें मक्खन अच्छी तरह से नहीं निकला है, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको एक बार फिर से फेंटेंगे और फिर इसको चेक करते हैं। ये देखिए, मक्खन एकदम से निकल आया है। अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी जो हमारा पूरा मलाई है उसको हम फेंट लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मलाई से घी निकाला था और उसके साथ मैंने मावा भी बनाया था, तो मावा से बहुत ही टेस्टी डिशेज भी बनी थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, सारा मक्खन एक तरफ हो गया। अगर आपको लगे कि मक्खन अभी थोड़ा सा पिघला हुआ है, तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा और अच्छे से मक्खन निकल आएगा। ये देखिए, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है, और इस तरह से हम इसका पानी सारा निकाल देंगे और इसे हम डालेंगे कढ़ाई में। ये बहुत ही टेस्टी मक्खन लगता है। लड्डू गोपाल को ये मक्खन बहुत पसंद है। इसमें मिश्री और केसर वगैरह मिला करके उनके लिए भोग तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये मठा निकल आया है। इसे आप मठे की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर इसे पनीर बनाना दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। ये देखिए, धीरे धीरे से पिघलना शुरू हो गया है मक्खन। इस मेथड से भी घी निकालना बहुत आसान है। मैंने दोनों मेथड आपके साथ शेयर कर दी है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे घी निकाल सकते हैं। ये देखिए, मक्खन से घी निकलना शुरू हो गया है और ये इससे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, काफ़ी सारा घी निकल आता है। तो बस इस तरह से जब ये घी बन जाए तो हम गैस को कर देंगे बंद, और क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है तो बाकी का घी इसमें अच्छे से बन जाता है। अगर हम ज़्यादा देर तक करेंगे तो घी हमारा जो कलर ग्रीन होता है वो नहीं आएगा, रेड सा हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, घी बन गया है, अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल बटन। ये मेरी 8 दिन की मलाई का घी है, तो ये देखिए इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं पनीर। जो हमारा मठा निकला हुआ था इसको हम गैस पर रख देंगे और इसे उबलने देंगे, गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। विनेगर डालने से ये फट जाएगा। थोड़ा देर लगती है इसको फटने में, क्योंकि दूध जो है इसमें प्योर नहीं है, इसका मक्खन पूरा निकल गया है, तो थोड़ा सा देर लगेगी इसे बनने में। ये देखिए, हम इसमें विनेगर डाल देंगे, आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और इसे धीरे धीरे से चलाएंगे। ये जो हमारा पनीर निकलेगा, तो इससे हम कोई भी डिश जैसे कि सब्जी बना सकते हैं, पनीर पराठा बना सकते हैं या पनीर पकौड़ा बना सकते हैं। सादा पनीर खाने में थोड़ा सा रूखा लगेगा, क्योंकि इसका जो मक्खन है, जो घी है, वो निकल गया है, लेकिन सब्जी के साथ इसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। फटे हुए दूध को कपड़े से छानकर अच्छे से किसी भारी बर्तन से दबा दें, जिससे कि इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन इसी तरह इसी प्रोसेस से आप कर दीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट पनीर बना है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और जो भी अनुभव हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए